देखिए, ट्रिपल तलाक, करोड़ों जो मुस्लिम बहनें हैं उनको तीन तलाक के दोजक से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा समाज सुधारवादी कदम है। और हम तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुस्लिम बहनों के हिफाजत के लिए ये बहुत बड़ा एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर ये बिल लाया है। और इसमें सभी पार्टियों को धार्मिक तुष्टिकरण की भावना और जो भी भावना है सभी से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं इसका धर्म से भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये परंपरा के तौर पर शामिल हो गई हैं कुरीतियाँ, तो इसको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना जरूरी है। कालांतर में कभी विधवा विवाह पर रोक लगा था, और आप देखे होंगे कि बाल विवाह पर उसी तरह से रोक लगा, तो ये उसी तरह की एक कुप्रथा है जिससे मुक्ति आवश्यक है। उम्मीद है कि राज्यसभा से पास हो जाएगा। देखिए, हम तो काफ़ी कंसर्न्ड हैं, हमारी पार्टी कंसर्न्ड है, और हमारी पार्टी के जो संकल्प पत्र में आपने देखा होगा कि तीन तलाक स्पष्ट तौर पर हमारे पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के तौर पर शामिल था, और हम यही कारण है कि बार बार इस बिल को लेकर के सदन में रख रहे हैं और पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है कि हमारा जेन्यून कंसर्न है, और हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लोग हों, वो समाज के किसी भी कुप्रथा के शिकार ना हों, अपने अपने धर्मों का पालन करें, लेकिन इस तरह की कुप्रथा की इजाज़त किसी भी धर्म में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जेडीयू आपका सहयोग नहीं कर रही है सर। देखिए, कई अलग अलग पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा है, और विचारधारा की बुनियाद पर उनकी कई मजबूरियां भी हैं जिसके तहत वो समर्थन या विरोध का फैसला करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इन एजेंडों को लेकर के अपना जो ऐलान है स्पष्ट कर रखा था कि हम तीन तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, और तीन तलाक उसी के तहत हम लेकर आए हैं।